जो आजकल काली युग अगर हम कहेंगे तो इसमें हर किसी को काली है, हर किसी को परेशानी है। तो अपनी ब्रेथ को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स है, जो न्यूरॉन्स है, तो वो अगर हमने खुद डेवलप किए तो अंदर पॉजिटिविटी खुद आती जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम उज्जैन प्राणायाम से। तो उज्जैन हम क्या करेंगे पहले, ऑल्दो उसमें हमने ब्रेथ नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है, बट स्टार्टिंग में हम पहले मुंह से सांस छोड़ेंगे बाहर और पेट को खाली करेंगे और नाक से सांस भरेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो हमारे जो थ्रोट है, अंदर गले के अंदर पाइप है हमारी, विंड पाइप, इसको फील करते हुए और इसको हल्की सी आवाज जो अंदर ही हमें सुनाई दे, जरूर ना कि बाहर सुनाई दे, बट अंदर सुनाई दे, और पूरा पेट खाली करते हुए हम सांस को बाहर छोड़ेंगे मुंह खोलते हुए हल्का सा। तो मेरे साथ हल्की सांस पहले भरेंगे नाक से और सांस छोड़ते हुए, तो नाक से सांस भरेंगे नाक से सांस भरते हुए, अब नाक से सांस भरेंगे और नाक से छोड़ने की कोशिश करेंगे और फील करेंगे अपने थायराइड ग्लैंड को, जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसको एक्टिव करता है, और हमारा मणिपुरा चक्र भी एक्टिवेट होता है। तो वैसे ही सांस भरेंगे लंबी और सांस छोड़ते हुए पेट पूरा खाली करेंगे,
नाम का भस्त्रिका का सबसे अच्छा फायदा कि यह हमारी पूरी लंग को और विंड पाइप को गर्म करता है। जैसे हमने देखा है कि वो साइकिल में हवा भरते हैं हम, तो वो पंप होता है, तो पंप को हम भरते हैं और खाली करते हैं ऊपर नीचे, उसके जो मोशन है उसके कारण वो पंप की जो पाइप होती है वो गर्म हो जाती है। तो इस अगर प्राणायाम को हम करते रहते हैं तो हमारे अंदर जैसे बताया कि बैक्टीरिया वो सब खत्म हो जाता है। तो इस प्राणायाम को फिर से करेंगे 3 बार के लिए, और वैसे ही कि सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, गति अपने अनुसार रखिएगा, और जब थक जाए आराम से सांस पूरी लंबी भर के और कुछ देर के लिए, चाहे 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सांस को रोकिएगा ऊपर, और फिर आराम से सांस को खाली कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे सभी साथ में। बस सांस बाहर छोड़ते हुए फिर से एक बार सभी दोहराएंगे इसे। योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर रविंद्र राणा जी कर रहे हैं, उनके साथ अशोक कोल जी, प्रिया सेठी, युधवीर सेठी तथा अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं।